फ्रेंड्स, ये सुंदर इम्पेशेंट के फ्लावर के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली मेरा काल, जैसे मैंने बोला था कि मेरा गोबर खाद ख़त्म हो गया है, तो आज मुझे गोबर खाद मिला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बोलूं कि मुझे कहाँ से मिलता है, कितना पैसा लेते हैं और आप लोग भी कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सर्दी के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा गोबर खाद यूज़ करती हूँ। गोबर खाद थोड़ा गर्म होता है तो गर्मी में कम यूज़ करती हूँ। गर्मी में वर्मी कंपोस्ट एंड लीफ कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन सर्दी में गोबर खाद मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और सीजनल फ्लावर्स गोबर खाद में बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ जो परमानेंट हम लोग के एडेनियम हुआ, हिबिस्कस वगैरह हुआ, वो भी गोबर खाद में बहुत अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। और गोबर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है तो पत्ते वगैरह भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो गोबर खाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, जो यू नो सीमेंट का जो बैग होता है उसमें जो मिलता है, आपको वेट के हिसाब से नहीं मिलता है। एक एक बैग का प्राइस पहले 100 या 120 था, लेकिन इस बार हो गया है 160-170। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो 150 में देते हैं। तो उसके बाद कभी कभी भीगा हुआ कच्चा गोबर मिलता है, कभी कभी यू नो सूखा हुआ भी अच्छा पुराना गोबर भी मिलता है। तो वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर गौशाला जो है, वो बहुत सारे गौशाला है जो उन लोग का गोबर खाद वो सेल करते हैं। फिर गौशाला को छोड़ के भी और भी कुछ कुछ है ना रोड साइड छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो ऐसे बैग में यू नो गोबर खाद सेल करते हैं। तो वहाँ से मैं लाती हूँ। तो ऐसा देखिए, जो बैग है इसमें 160 लिया है इसका। तो ये ऐसे ही सील आता है, फिर खोलने के बाद मुझे पता चलता है कि सूखा हुआ है या भीगा हुआ है। अगर सूखा हुआ है तो ठीक बात है, अगर भीगा हुआ होता है तो मैं ये पीछे का साइड है यहाँ पर मैं बिछा देती हूँ, पूरा खाली करके यहाँ पर बिछा देती हूँ, तो अच्छा से धूप लग के सूख जाता है। उसके बाद जो चालना वगैरह साफ़ करने का बात है, तो फ्रेंड्स मेरे पास बहुत प्लान्स हैं, आपको पता है, और मुझे खाद बहुत ज़्यादा लगता है, गोबर खाद भी। तो सारा एकदम बहुत ज़्यादा साफ़ मैं कर नहीं सकती हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए इस बार ऐसा आया है, तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी ये देखिए कुछ कुछ जो दिखता है वो देने के टाइम में मैं इन सबको ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। जब मैं यूज़ करती हूँ तब मैं साफ़ करती हूँ, और जब मैं बिछा देती हूँ नीचे तब ये जब सूख जाता है तब साफ़ करने में इजी होता है। जब एकदम भीगा हुआ कच्चा गोबर आता है तब तो मैं बहुत दिन इसको सुखाती हूँ। तो आप भी, अगर आपके वहाँ जो दूध वाले भैया हैं उनको आप पूछ सकते हैं, या बहुत सारे नर्सरीज में भी आप पूछ सकते हैं, उनके पास ऐसे गोबर खाद का लिंक होता है। तो मुझे भी ये वाला सोर्स मिला है, एक मैं छोटा सा एक नर्सरी है जहाँ पर मैं जाती थी, तो उनसे मैंने एक बार पूछा था, उन लोगों ने मुझे बोला था कि एक आदमी है जो यू नो गोबर खाद ऐसे सेल करता है, और गौशाला में भी यू नो गौशाला से भी जाके ला सकते हैं। तो ये होम डिलीवरी देते हैं, लेकिन गौशाला से आपको जाके लाना पड़ता है, वही बात है। तो अगर आप भी ऐसे कोई अरेंज कर सकते हैं तो गोबर खाद बहुत ही अच्छा होता है एंड बहुत इकोनॉमिकल भी है। ऐसा सेम साइज़ का अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह लाते हैं तो मेरे यहाँ यू नो 500 ऐसा पड़ जाएगा, 500-600 प्राइस हो जाएगा। अभी प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया है। तो आज का मुझे ऐसा मिला है, देखिए। तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, गोबर खाद मैं पॉटिंग के टाइम में भी देती हूँ, कोकोपीट या गार्डन सॉइल के साथ मिक्स करके। कभी कभी 40% गोबर खाद को 40% ना सॉइल एंड 20% सैंड देती हूँ, अगर वो हिबिस्कस जैसा या एडेनियम जैसा प्लांट रहा। नहीं तो कभी कभी मैं 20% लीफ कंपोस्ट या 20% वर्मी कंपोस्ट के साथ 20% गोबर खाद ऐसे कम्बिनेशन बनाती हूँ। फिर लगाने के टाइम में तो हम लोगों ने दे दिया। फिर देखिए, जैसे गुलाब बहुत हैवी फीडर्स हैं और गुलाब को गोबर खाद बहुत पसंद है, और अभी गुलाब को फर्टिलाइज करने का अच्छा मौसम है, तो मैं ऐसे ही एवरी 15 डेज थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करके यू नो गोबर के ये गुलाब के चारों तरफ ऐसे ऊपर में थोड़ा दे के, फिर थोड़ा ऊपर एक लेयर दे देती हूँ मिट्टी का। तो थोड़ा गुड़ाई करके ऊपर दे सकते हैं, फिर आप पानी मत दीजिए, 2-3 घंटा बाद या नेक्स्ट डे सुबह आप पानी दे सकते हैं। तो ये है कि यूज़ हो गया, तो आप लगाने का टाइम में यूज़ कर सकते हैं, फिर 15 डेज या 1 मंथ के बीच बीच में आप ऊपर में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको
लिक्विड भी बना सकते हैं आप, एक बाल्टी पानी में भिगा के उसके साथ कुछ दूसरा यू नो आइटम है जैसे नीम का थोड़ा पाउडर हुआ, ये सब मिक्स करके एक लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे हम लोग मस्टर्ड केक बनाते हैं ऐसे लिक्विड बना के भी आप प्लांट के गोरे पे जो स्टेम होता है रूट पे आप दे सकते हैं। लेकिन गोबर खाद आप सर्दी में ज़्यादा दीजिएगा, गर्मी जब आता है तो गोबर खाद से प्लांट थोड़ा गर्म हो जाता है। फिर प्लांट देख के भी हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में गोबर खाद बहुत पसंद है, क्रोटन वगैरह में भी बहुत पसंद है, तो प्लान के ऊपर डिपेंड करके आप गोबर खाद दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स का आपका छोटा सा वीडियो ऑन काउडांग बहुत कुछ फ़ायदेमंद होगा, अगर अच्छा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।